हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो नंबर 16 के अंतर्गत हम लोग होमोफोन्स के विषय में अध्ययन करेंगे। होमोफोन्स समान ध्वनि वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण, जिनकी ध्वनि साउंड एक तरह का होता है, लेकिन उनका अर्थ, उनकी मीनिंग, उनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है। वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड, ऐसे शब्द जिनकी आवाज एक तरह की होती है, साउंड एक तरह का होता है। वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड, ऐसे शब्द जिनकी आवाज, जिनकी ध्वनि, जिनका उच्चारण एक तरह का होता है, बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, लेकिन जो अर्थ और स्पेलिंग में भिन्न भिन्न होते हैं, आर कार्ड होमोफोन्स, उन्हें होमोफोन्स के नाम से पुकारा जाता है। आगे लिखा हुआ, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेज ऑफ योर ओन, नीचे जो शब्द दिए गए हैं उन्हें आप अपना वाक्य बनाइए और उसमें प्रयोग कीजिए, सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंसेज इन देयर मीनिंग्स क्लियर, ताकि उनका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, उनके अर्थ में क्या अंतर है यह स्पष्ट हो जाए। जिसमें 144 नंबर था, प्रैक्टिस अभ्यास, प्रैक्टिस अभ्यास, PRACTICE, प्रैक्टिस अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास एक आदमी को पूर्ण बना देता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास आदमी को पूर्ण बना देता है। अब उसके बाद है PRACTICE, प्रैक्टाइज, प्रैक्टाइज मतलब अभ्यास करना, प्रैक्टिस नाउन है, प्रैक्टाइज अभ्यास करना वर्ब है। हे प्रैक्टाइजेस लॉ, वह कानून का पालन करता है, अभ्यास करता है। प्रैक्टाइजेस लॉ, वह कानून का पालन करता है, कानून का अभ्यास करता है। फिजिक्स भौतिक विज्ञान एक विषय है, फिजिक्स PHYSICS, फिजिक्स भौतिक विज्ञान एक विषय है। फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, और उसी से मिलता जुलता स्पेलिंग वाला दूसरा है PHYSIQUE, फिजिक, ऊपर था फिजिक्स या फिजिक, फिजिक मतलब शारीरिक गठन, फिजिक शारीरिक गठन। ही एंजॉय ए गुड फिजिक, ही एंजॉय ए गुड फिजिक। पेयर PAIR, पेयर जोड़ा। आई हैव ए पेयर ऑफ शूज, आई हैव ए पेयर ऑफ शूज, जोड़ा। पेयर PARE, पेयर कतरना, पेयर कतरना। यू शुड पेयर योर नेल्स, यू शुड पेयर योर नेल्स, तुम्हें अपने नाखून कतर देना चाहिए, तो काट देना चाहिए। PARE, पेयर कतरना। यू शुड पेयर योर नेल्स, तुम्हें अपने नाखून कतर देने चाहिए। पाउर PUR, पाउर टपकना। इट ऑलवेज पाउर्स वेन इट रेन्स, इट ऑलवेज पाउर्स वेन इट रेन्स, यह हर समय टपकता है जब बारिश होती है, यानी जब बारिश होती है तो टपकता है। पाउर टपकना, उड़ेलना, उड़ेलना या डालना होता है, जैसे पाउर ए लिटिल मिल्क इनटू माय टी, मेरे चाय में थोड़ा सा दूध डालिए, पाउर डालिए। उसी से मिलता जलता है पोर, मतलब रोम छिद्र, PORE, पोर रोम छिद्र। देयर आर सेवरल पोर इन ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर पर बहुत सारे रोम छिद्र हैं। देयर आर सेवरल पोर इन ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर पर बहुत सारे रोम छिद्र हैं। अगला क्वाइट, QUITE, क्वाइट बिल्कुल, QUITE, क्वाइट बिल्कुल। व्हाट यू सेड, जो तुमने कहा, इज क्वाइट राइट, व्हाट यू सेड इज क्वाइट राइट, जो तुमने कहा वो बिल्कुल सही है।
quiet, 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 shant. It is all calm and quiet in the night. Raat bilkul shant hai. It is all calm and quiet in the night. Raat mein bilkul shanti hai. Agla hai rain. R-E-I-N. Rain lagam. Rain lagam. Hold the horse by the rein. घोड़े को लगाम से पकड़ो. Hold the horse by the rein. घोड़े को लगाम से पकड़ो. और एक है R E I G N. इस रेन का मतलब शासन. R E I G N. रेन शासन. During the reign of अकबर. अकबर के शासन काल के दौरान. During the reign of अकबर. अकबर के शासन के दौरान. इंडिया मेड ग्रेट प्रोग्रेस. भारत ने बहुत प्रगति की. ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर. अकबर के शासन काल के समय. इंडिया मेड ग्रेट प्रोग्रेस. भारत ने बहुत प्रगति की. एक है रेन वर्षा. आर ए आई एन वर्षा या वर्षा होना. इट इज रेनिंग वेरी हैवीली. भारी वर्षा हो रही है. इट इज रेनिंग वेरी हैवीली. अगला है 150 पर. रेज. आर ए आई एस ई रेज उठाना. रेज उठाना. द गवर्नमेंट शुड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर. सरकार को गरीबों की दशा सुधारने चाहिए. स्तर उठाना चाहिए. द गवर्नमेंट सरकार शुड रेज सरकार को उठाना चाहिए द स्टैंडर्ड स्तर ऑफ द पुअर. गरीबों के स्तर को ऊपर उठाना चाहिए. अगला है पी रेज. आर ए जेड ई रेज. आर ए जेड ई नष्ट करना. मेनी टावर्स वेयर रेज्ड. मेनी टावर्स वेयर रेज्ड टू द ग्राउंड बाय द स्टार. तूफान के द्वारा बहुत सारे मीनार एंड टावर्स गिरा दिए गए ढहा दिए गए. रेज नष्ट करना. मेनी टावर्स वेयर रेज्ड बहुत सी मीनारें गिरा दी गई ढह गई. टू द ग्राउंड बाय द स्टॉर्म तूफान के द्वारा बहुत सारी मीनारें गिर गई. एक है रेज. आर ए जी ई रेज गुस्सा क्रोध. रेज गुस्सा या क्रोध. इन ए फिट ऑफ रेज गुस्से के दौर में. इन ए फिट ऑफ रेज ही बीट हिज ब्रदर. उसने अपने भाई को पीट दिया. इन ए फिट ऑफ रेज गुस्से के दौर में. ही बीट हिज ब्रदर. उसने भाई को पीट दिया. आगे है रूट. आर डबल ओ टी रूट जड़. द ओक ट्री है डीप रूट्स. ओक के पेड़ों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं. द ओक ट्री है डीप रूट्स. ओक के पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती हैं. अगर है रूट. आर ओ यू टी ई रूट रास्ता. रूट रास्ता या मार्ग. आर ओ यू टी ई रास्ता. विच इज द शॉर्टेस्ट रूट सबसे छोटा रास्ता कौन है. विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू द स्टेशन. स्टेशन जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन है. विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू द स्टेशन. स्टेशन जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन है. अगला है 152 पर. राइट सही अधिकार. दाहिने एक ही राइट का मतलब सही भी होता है अधिकार भी होता है दाहिने भी होता है. इसीलिए तीन यूज किए गए हैं. ट्रस्ट इन गॉड ईश्वर में विश्वास कीजिए. एंड डू द राइट और सही कीजिए. ईश्वर में विश्वास कीजिए और सही कीजिए. ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट. अगला है देयर आर फंडामेंटल राइट्स ऑफ इवन प्रिजनर्स. कैदियों के भी मौलिक अधिकार होते हैं. यहाँ राइट का मतलब अधिकार. देयर आर फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार होते हैं. आप इवन द प्रिजनर्स कैदियों के लिए मौलिक अधिकार होते हैं. और तीसरा टर्न टू द राइट दाहिने मुड़ जाइए. टर्न टू द राइट दाहिने मुड़ जाइए. एंड यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस और आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा. टर्न टू द राइट दाहिने मुड़ जाइए. एंड यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस. अगला है राइट. आर आई टी संस्कार. राइट संस्कार. द फंडामेंटल राइट द फ्यूनरल राइट द संस्कार वेयर परफॉर्म.
the funeral rites were performed, दाह संस्कार संपन्न किए गए। और एक राइट है WRIT, राइट का मतलब लिखना, ए रोट ए नॉवेल, इस राइट का मतलब WRIT राइट, ए रोट ए नॉवेल। तो इस प्रकार से आपने पी से शुरू होने वाले और आर से शुरू होने वाले ऐसे शब्द जो होमोफोन्स होते हैं, समान ध्वनि वाले होते हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, उनके अर्थ में कैसे अंतर होता है, इसके विषय में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की।